हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ शबीना मुमताज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन लॉलीपॉप की जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो है ये जो कमर्शियल जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाते हैं बिल्कुल उस तरह की बनेगी ये। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको ईजिली मिलती रहे। चलिए पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? स्वीट पेपरिका पाउडर और ये लेग पीस है, 8 पीस ये लेग पीस है। और यहाँ से हम बोन को, यहाँ से स्किन को अलग कर देंगे और इस तरह से इसको खींच के पीछे की तरफ कर देंगे ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए। और कहीं कहीं जो है वो कट्स भी लगा देंगे गोश्त पे, तो ये चिकन लॉलीपॉप के लिए परफेक्ट हो गया। स्वीट पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये 1 चमची, आधी चमची गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट और पेपर पाउडर है ये, नमक और काली मिर्च का पाउडर है ये आधी चमची डाल ली हूँ। प्लेन विनेगर 1 चम्मच, सॉल्ट जो है वो चेक कर लीजिएगा आप लोग, टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। 1 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है, डार्क सोया सॉस, आधी चम्मची अदरक का पेस्ट, आधी चम्मची लहसुन का पेस्ट, यानी दोनों मिला के ये 1 चम्मच है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉल्ट चेक कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स किया है और इसको कवर कर देंगे। कवर आप यहाँ पे क्लिंग फ्लिंग से किया है मैंने, आप चाहें तो कोई बर्तन से भी ढक दें। और कम से कम इसको आधे घंटे रहने देना है मैरिनेशन के लिए, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। चिकन को मैरिनेट करते हुए आधे घंटे हो गए हैं। ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा, और ये 8 लॉलीपॉप के लिए है, यानी 8 8 लेग पीस के लिए है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 एक अंडा ले लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके फौरन हम डीप फ्राई करेंगे। चिकन को हम इस तरह खड़े पोजीशन में रख के फ्राई करेंगे ताकि इसका शेप जो है वो ना बिगड़े, और बाद में फिर मिक्स कर देंगे और 4 4 पीस में करके इसको पूरा तल लूँगी अच्छे से गल जाने तक। चिकन हमने फ्राई कर लिया है और इसको डेफिनेटली टिश्यू पे रखिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाए। वहीं से उसी कढ़ाई से मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। ऑयल को गर्म कर लिया है, ऑयल में ऐड करेंगे फाइनल चॉप अदरक लहसुन गार्लिक एंड जिंजर, और इसको हाई फ्लेम पे हम सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जलाना नहीं है या कलर भी चेंज नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट हो जाए बस। इसको गोल्डन तक नहीं ले जाना है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अनियन, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और बारीक काट लेंगे। इसको भी हल्का सा बना लेना है। यहाँ पे ऐड करूंगी केचप, और ये 8 लेग पीस के लिए है, 1 लॉलीपॉप के लिए है। फ्लेम को कम कर देंगे।
सोया सॉस 1 चम्मच, व्हाइट विनेगर ये भी 1 चम्मच ऑलमोस्ट, पिंच ऑफ शुगर ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम चिकन पीसेस को, चिकन लॉलीपॉप जो हम लाए हैं, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। मिक्स करने के बाद फौरन ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है। यहाँ पे ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, प्याज का पत्ता और हरा धनिया, और इसको मिक्स कर देंगे और सर्व कर लेंगे। यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप जो है हमारा डन है, और इस तरह यहाँ पे फॉइल लगा दीजिएगा ताकि पकड़ के खाने में आसानी होती है और ये खूबसूरत भी लगता है, एक तरह से डेकोरेशन हो जाता है इसका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई का बायस बनता है। आप इसी तरह बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।